सीएम बनने के करीब 9 महीने बाद ही उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत की संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए हैं। आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनावी हलफनामे में रावत ने जो संपत्ति घोषित की थी उसका दोबारा मूल्यांकन हो और इस बारे में एक रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाए। बीते अक्टूबर में त्रिवेंद्र रावत के हलफनामे को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी। इसमें उन पर गलत जानकारियां देने के आरोप हैं। साल 2017 के चुनाव में त्रिवेंद्र रावत ने अपनी कुल संपत्ति करीब 1.15 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई थी। खबरों के मुताबिक बीजेपी नेता रहे रघुनाथ सिंह नेगी ने 30 अक्टूबर को सीएम रावत के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। नेगी 2010 में गढ़वाल विकास मंडल निगम के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। अपनी शिकायत में रघुनाथ नेगी ने आरोप लगाया है कि त्रिवेंद्र रावत ने विधानसभा चुनाव के हलफनामे में अपनी अचल संपत्ति का मूल्य काफी कम दिखाया। इसमें उन्होंने 9,56,000 में 3 मकान खरीदने का जिक्र किया है, जबकि असल में इनकी मार्केट वैल्यू कहीं ज्यादा है। रावत पर यह भी आरोप है कि उन्होंने साल 2017 के विधानसभा और 2014 के उपचुनाव में अपनी उम्र को लेकर भी गलत जानकारियां दी थी। दोनों हलफनामों में उनकी उम्र 54 साल बताई गई। अगर कोई कैंडिडेट अपने हलफनामे में चुनाव आयोग को गलत या झूठी जानकारियां देता है तो उसके खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 125A के तहत कार्रवाई होती है। इसमें उसे 6 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है। चुनाव के दौरान अपने दिए गए हलफनामे में त्रिवेंद्र रावत ने अपनी कुल संपत्ति 1,15,83,826 रुपए बताई है, जिसमें चल संपत्ति 37,83,826 रुपए बताई गई है, जबकि उन्होंने अपनी अचल संपत्ति 78 लाख रुपए बताई है। इसमें खेती के लिए जमीन प्लॉट और देहरादून के मकान की जानकारियां दी गई हैं। पिछले साल चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में रावत ने अपने ऊपर 11,59,238 रुपए का कर्ज बताया था। उत्तराखंड की 70 सीटों वाली असेंबली में फरवरी 2017 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 57 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज कर बहुमत के साथ सरकार बनाई। कांग्रेस को महज 11 सीटें मिली। बीजेपी लीडरशिप ने सीएम के तौर पर डोईवाला सीट से जीते त्रिवेंद्र रावत के नाम पर मुहर लगाई और उन्हें सीएम बनाया। रावत लंबे समय से आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन अब रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में अब सबकी नज़र केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ टिक गई है, जो त्रिवेंद्र रावत की संपत्ति की पुनर्मूल्यांकन कर अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को देगा। लेकिन इतना तो तय है कि त्रिवेंद्र रावत की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN.